सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी के एक फोल्ड फोन के बारे में, जो फोल्ड हो जाता है और उसे सिंपल भी कर सकते हैं। कीमत बहुत ज़्यादा है और अभी केवल ये आपको अमेरिका में मिल रहा है और इसी महीने लॉन्च हुआ है और प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। किसी किसी को ये फोन मिल चुका है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को ये फोन मिल चुका है और काफ़ी सारी टैग वेबसाइट है उनको ये फोन रिव्यू के लिए मिला है। लेकिन अभी कुछ लोगों को ये फोन मिल रहा है मार्केट में जिन्होंने प्री बुकिंग की थी यूज के लिए। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं इसके सारे स्पेसिफिकेशन, प्राइस क्या है, किस तरह से दिखता है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों सैमसंग ने एक फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया है मार्केट में, फोल्ड हो जाता है और जैसे पहले कीपैड वाले फोन आते थे फोल्ड करने का, कुछ उस तरह का ही ऑप्शन है, लेकिन इसमें स्क्रीन फोल्ड हो जाती है, यानी जो आपकी स्क्रीन है वो फोल्ड हो जाती है, छोटी हो जाती है और बाद में अगर आप उसे अनफोल्ड करेंगे तो वो हो जाती है बड़ी। अब ये किस तरह से होता है ये मैं आपको एक डेमो बता दे रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीन पर फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। दोस्तों कुछ इस तरह का फोन होता है, ये जैसे फोन हो गया, ये फोन हो गया, ठीक है, इस तरह का। तो जो आगे की स्क्रीन है फोन की, सैमसंग की 4.6 इंच की डिस्प्ले है उसमें, ऐसे फोन है। और अब आप चाहेंगे फोन को बड़ा करके यूज करना तो इस तरह से खोलना है फोन को, ये फोन ऐसे करके बड़ा हो जाता है, ऐसे करके। यानी अब फोन जो डिस्प्ले है वो 7.3 इंच की हो जाती है। तो यहां पे क्या होगा, जब ये फोन ऐसे खुल जाएगा तो ये फुल स्क्रीन ये दोनों पे ही आपको पूरा दिखाई देगा और कोई भी बीच में कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी सलवटे नहीं होगी, कोई भी कुछ भी नहीं होगा, इस तरह का फोन है। और जो बंद रहने पे, यानी सिंपल जब मोड रहेगा, बंद रहेगा तो वो 4.6 इंच की डिस्प्ले है और जब खुल जाएगा तो 7.3 इंच का एक टैब बन जाएगा, टैब की तरह बन जाएगा। अब मैं बता देता हूं इसमें कैमरा क्या है। कैमरा दोस्तों इसमें तीन जगह कैमरा दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक जो ये वाली स्क्रीन है यहां पर कैमरा दिया गया है, बैक में तीन कैमरे दिए गए हैं। उसके बाद जब ये फोन ऐसे फोल्ड होता है तो यहां पर भी दो कैमरे दिए गए हैं, तो कैमरे बहुत ज्यादा है इसमें। तो अब मैं बता देता हूं रियर जो कैमरा है दोस्तों वो है 16 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और दूसरा भी, तीसरा भी 12 मेगापिक्सल, यानी 16, 12 और 12, ये हो गया रियर कैमरा। अब जो स्क्रीन जब फोल्ड हो जाती है, जब छोटी हो जाती है, तो आगे जो कैमरा दिया गया है वो 10 मेगापिक्सल का दिया गया है और स्क्रीन जब फोल्ड होती है तो उसमें जो सेल्फी कैमरा दिया गया है 10 मेगापिक्सल और एक दिया गया है 8 मेगापिक्सल का RGB कैमरा, ठीक है। तो अंदर दो है, बाहर की तरफ एक है और बैक की तरफ आपको तीन कैमरे मिल जाते हैं। दोस्तों फोन फोल्डेबल है इसलिए बैटरी को दो पार्ट में बनाया गया है, यानी ड्यूल बैटरी है, लेकिन दोनों ही कंबाइन करेंगे मिला के 4380 mAh की फास्ट चार्ज 2.0 बैटरी है इसमें, यानी फास्ट चार्ज बैटरी है, 4380 mAh की बैटरी है। इसके बाद इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो ऑक्टा कोर का, स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर जो हाई क्वालिटी का प्रोसेसर है वो लगा हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो फोन आपको मिलेगा वो एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन यानी 9.05 वर्जन पे मिलेगा। दोस्तों अब मैं बता दूं सबसे बड़ी बात, इसमें आपको 12 GB की रैम मिलेगी, यानी इस फोन में जो रैम है जैसे सबकी 2, 3 GB, 6 GB, 8 GB होती है, इसमें आपको मिल रही है 12 GB की रैम और साथ में 512 GB का इंटरनल स्टोरेज, यानी 512 GB का इंटरनल स्टोरेज एक तरह के लैपटॉप हो गया, ठीक है। लैपटॉप में इतनी स्टोरेज स्टार्टिंग में होती है तो 512 GB की इंटरनल स्टोरेज, अलग से भी आप SD कार्ड लगा सकते हैं। अब बात करेंगे इसके रियर कैमरे, यानी बैक में जो कैमरा है उसमें तीन कैमरे हैं, तीनों ही अलग अलग काम करते हैं, एक अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, यानी अल्ट्रा वाइड आपको फोटोग्राफ्स लेने हैं, बहुत ज़्यादा बिग पिक्चर लेनी है तो अल्ट्रा वाइड कर लेंगे, यदि आपको स्पेसिफिक
किसी चीज की पिक्चर लेनी है तो आप वाइड एंगल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोटो एक मोड है, एक कैमरा है यानी 12 मेगापिक्सल का। उसमें क्या है, किसी एक स्पेसिफिक चीज की आप फोटो लेना चाहते हैं, मान लीजिए इस स्पेस की आप इतनी सी फोटो लेना चाहते हैं तो बहुत ही डीप में, और ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन बहुत ही क्लियर लिखा सारा चीज फोटोग्राफ्स में दिखेगा। जब फोन फोल्ड करते हैं तो 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, अंदर की तरफ दो कैमरे हैं। जब फोन बड़ा हो जाता है तो अंदर की तरफ आपको कैमरा मिल जाता है 10 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों कीमत आप सुन लीजिए, कीमत है इसकी, वैसे तो कीमत है $2000 से कम है, $1980 है, 1900 से करीब करीब $2000, और इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको फोन 1,38,000 के करीब करीब आपको पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस फोन को यूज करने लगे हैं जिन्होंने प्री बुकिंग की थी, क्योंकि इसी मंथ में लॉन्च हुआ था और ये केवल अमेरिका की बात है, वहीं पे लॉन्च हुआ है, अभी पूरी इंडिया में नहीं आया, और जब भी आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये कीमत थी इस फोन की, और इस फोन को लोग यूज भी कर रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड है। किस तरह से ये सारी चीजें आपने देखी स्क्रीन पे, काफी सारी पिक्चर मैंने दिखाई आपको फोटो। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, बिल्कुल फ्री है। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन भी है, उस पर क्लिक करना है, उसके बगल में घंटी का आइकन आएगा उस पर भी क्लिक करना है, जिससे आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगी सबसे पहले। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कर दीजिए दोस्तों। कमेंट जरूर करिए इस वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।